नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ हमारे समाज का आईना होती है। समाज में हो रही घटनाओं को हमारे सामने उजागर करती हैं। हर कहानी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। सभी कहानियों में हमारे लिए कुछ सीख छिपी होती है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं और इस कहानी से भी कुछ सीख लेते हैं। आज की कहानी है, मैं अपने ही बेटे के घर में घरेलू नौकर बनकर नहीं रह सकता। तो पापा, कैसा लग रहा है आज? आपकी गुलामी का आज अंतिम दिन है। कल से आप पिंजरे से आज़ाद पंछी की भांति आकाश में स्वच्छंद विचरण करने के लिए स्वतंत्र होंगे। आरोह नाश्ते की मेज़ पर भी पिता को अखबार में डूबे देखकर बोला था, कहाँ बेटे, जीवन भर पिंजरे में बंद रहे पंछी के पंखों में इतनी शक्ति कहाँ होती है कि वह स्वच्छंद विचरण करने की बात सोच सके। अरविंद लाल मुस्कुरा दिए थे। पिछले 35 साल से घर से सुबह खाने का डब्बा लेकर निकलने वाले और शाम को लौटने की ऐसी आदत पड़ गई है कि रिटायर शब्द से भी डर लगता है। कोई बात नहीं पापा, एक दो दिन आप अपने नए जीवन का आनंद लेने लगेंगे, कहकर आरो हंस दिया। मैं तो नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ, कुछ जगहों पर साक्षात्कार भी दे चुका हूँ। मुझे कोई पेंशन तो मिलेगी नहीं, नई नौकरी से हाथ में 4 पैसे भी आ जाएंगे और साथ ही समय भी कट जाएगा। क्या कह रहे हैं पापा, जीवन भर खटने के बाद क्या यह आपकी नौकरी ढूंढने की उम्र है? यह समय तो पोते पोतियों के साथ खेलने और अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने का है, आरो ने बड़े लाड से कहा था। मैं सब समझ गया बेटे, रिटायर होने के बाद तुम मुझे अपना सेवक बनाकर रखना चाहते हो। अरविंद लाल का स्वर अचानक तीखा हो गया था। पापा, आपके लिए मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? बेटे, आज घर घर की यही कहानी है। बूढ़े माता पिता तो किसी गिनती में ही नहीं है। बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना, सब्जी भाजी से लेकर सारी खरीदारी करना, यही सब तो कर रहे हैं आजकल अधिकतर वृद्ध। सुबह की सैर के समय मेरे मित्र यही बताते हैं। बताते होंगे पापा, पर हर परिवार की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। आपको ऐसा कुछ करने की कतई ज़रूरत नहीं है। कल से आप अपनी इच्छा के मालिक होंगे। जब मन में आए सोइए, जब मन में आए उठिए। आपकी दिनचर्या में कोई खलल नहीं डालेगा, मैं यह आपको विश्वास दिलाता हूँ। पर कृपया फिर से नई नौकरी ढूंढने के चक्कर में मत पड़िए, आरोह ने विनती की। अरविंद जी कोई उत्तर देते इससे पहले ही बहू माननी आ खड़ी हुई और अपने पति की ओर देख कर बोली, चले, क्या देर हो रही है? हाँ चलो, मुझे भी आज जल्दी पहुँचना है। अच्छा पापा, फिर शाम को मिलते हैं, आरोह उठ खड़ा हुआ। माननी, नाश्ता तो कर लो, आरोह की माँ वसुधा जी बोली। माँ जी, चाय पी ली है, नाश्ता अस्पताल पहुँचकर कर लूँगी। आज चारों को हल्का सा बुखार था, स्कूल में परीक्षा थी इसलिए स्कूल गई है। राम दिन जल्दी ले आएगा, आप ज़रा संभाल लीजिएगा माँ, माननी जाते हुए बोली थी। बहू, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगी, वसुधा जी ने माननी को आश्वस्त किया। चिंता करने की ज़रूरत भी कहाँ है, यहाँ अस्थाई नौकरानी जो बैठी है दिन भर हुकुम बजा लाने को, अरविंद लाल जी कटु स्वर में बोले। अपने घर के काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, पर यह बात आपकी समझ से बाहर है। चलो नहा धोकर तैयार हो जाओ, आज तो ऑफिस जाना है, कल से घर बैठकर अपनी गाथा सुनाना। मेरी समझ का तो छोड़ो, अपनी समझ की बात करो, दिन भर घर में लगी रहती हो। माननी तो नाम की माँ है, चारू और चिरायू को तो तुम्ही नेपाल पोस कर बड़ा किया है। सुधांशु की पत्नी इसी काम के लिए आया को 7,000 रुपये देती है। आपके विचार से आया और दादी में कोई अंतर नहीं होता? मैंने तो आरो और उसकी दोनों बहनों को भी बड़ा किया है, तब तो आपने यह प्रश्न कभी नहीं उठाया। हाँ, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई लाभ नहीं है। मैं आगे तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा, पर इतना साफ कह देता हूँ कि मैं अपने बेटे के घर पर घरेलू नौकर बनकर नहीं रहूँगा। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। क्या कह रहे हो, कुछ तो सोच समझ कर बोला करो, घर में नौकर चाकर क्या सोचेंगे? अच्छा हुआ कि आरोह, माननी और बच्चे घर पर नहीं हैं, नहीं तो ऐसी बेसिर पैर की बातें सुनकर ना जाने क्या सोचते। मैं किसी से नहीं डरता और जो कुछ तुमसे कह रहा हूँ उनसे भी कह सकता हूँ, अरविंद लाल जी शान से बोले।
क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर तुले हो? याद करो वह दिन जब हम पैसे पैसे को तरसते थे। तब एक दिन आपने बड़ी शान से कहा था कि चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, आप आरोह को कलर की नहीं करने देंगे, उसे आप डॉक्टर बनाएंगे। हाँ तो क्या बनाया नहीं उसे डॉक्टर? उन दिनों हमने कितनी तंगी से दिन गुजारे वह क्या तुम नहीं जानती? जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, पर कई बार माता पिता लाख प्रयत्न करे तब भी संतान कुछ नहीं करती। लेकिन अपना आरोह तो लाखों में एक है। अपने पैरों पर खड़े होते ही उसने आपकी जिम्मेदारियों का भार अपने कंधों पर ले लिया। नीना और निधि के विवाह में उसने कर्ज लेकर आपकी सहायता की, वरना उन दोनों के लिए अच्छे घर पर जुटा पाना आपके बस की बात न थी। वसुधा जी धारा प्रवाह बोले जा रही थी, तुम्हें तो पुत्र मोह ने अंधा बना दिया है। अपनी बहनों के प्रति उसका कुछ कर्तव्य था या नहीं? उनके विवाह में सहायता करके उसने अपने कर्तव्य का पालन किया है और कुछ नहीं। परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए इतना भी न करें तो एक साथ रहने का अर्थ ही क्या है? आरोह ने जब इस कोठी को खरीदने की इच्छा जाहिर की थी तो हम चुपचाप अपना 2 कमरों का मकान बेचकर उसके साथ रहने आ गए थे। हाँ, वह भी तब जब उसने आधी कोठी आपके नाम करवा दी थी। वह सब मैंने अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए किया था। आजकल की संतान का क्या भरोसा, कब कह दे कि हमारे घर से बाहर निकल जाओ। अरविंद जी अब अपनी अकड़ में थे। समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे समझाऊं। पता नहीं इतनी कड़वाहट कहाँ से आ गई है आपके मन में। कड़वाहट या कड़वाहट नहीं है, आत्मसम्मान की लड़ाई है। माना तुम्हारा आरोह बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हो गया है, दोनों पति पत्नी मिलकर खूब पैसा कमा रहे हैं, पर वे मुझे नीचा दिखाएं या अपने रुतबे का रौब दिखाएं तो मैं यह सह नहीं पाऊंगा। कौन आपको नीचा दिखा रहा है? पता नहीं आपने अपने दिमाग में यह कैसी कुंठा पाल ली है और दिन भर न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। वसुधा जी का स्वर अनचाहे भर्रा गया था। चलो बहस छोड़ो और मेरा सूट ले आओ, आज मेरा विदाई समारोह है, सूट पहन कर जाऊँगा। अरविंद लाल जी तैयार होकर दफ्तर चले गए पर वसुधा को सोच में डूबा छोड़ गए। कुछ दिनों से अपने पति अरविंद लाल की हाल देखकर वसुधा का दिल बैठा जा रहा था। जितनी देर वे घर में रहते एक ही राग अलापते कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। फूल मालाओं और उपहारों से लदे अरविंद जी को दफ्तर की गाड़ी छोड़ गई थी। उनके अफसरों ने भी उनकी प्रशंसा के पुल बांध दिए थे। घर आते ही उन्होंने चारू और चिरायू के गले में फूल मालाएं डाल दी थी और प्रसन्नता से झूमते हुए देर तक वसुधा को विदाई समारोह का हाल सुनाते रहे थे। दादाजी घूमने चलो ना, आइसक्रीम खाएंगे, उन्हें अच्छे मूड में देखकर बच्चे जिद करने लगे थे। कहीं नहीं जाना है, चारू को बुखार है, वैसे भी आइसक्रीम खाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, फ्रिज में ढेरों आइसक्रीम पड़ी है, वसुधा जी ने दोनों बच्चों को समझाया था। ठीक कहती हो, अरविंद जी बोले, बच्चों कल घूमने चलेंगे, आज मैं बहुत थक गया हूँ। वसुधा एक प्याली चाय पिला दो, फिर कुछ देर आराम करूँगा, कल नई पारी की शुरुआत जो करनी है। वसुधा के मन में सैकड़ों प्रश्न बादल की तरह उमड़ घुमड़ रहे थे कि वे किस दूसरी पारी की बात कर रहे हैं। कुछ पूछ कर फिर से वे घर की शांति को भंग नहीं करना चाहती, इसीलिए चुपचाप चाय बनाकर ले आई। अगले दिन अरविंद जी रोज की तरह तैयार होकर घर से चले तो वसुधा स्वयं को रोक न सकी। टोकना आवश्यक था, शुभ कार्य के लिए जा रहा था। अब तो काम शायद ही बने, अरविंद जी झुझला गए थे। मुझे लगा कि आज आप घर पर ही विश्राम करेंगे, आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए टिफिन तैयार करती हूँ। जाने दो, मैं फल आदि खाकर काम चला लूँगा, मुझे देर हो रही है। अरविंद जी अपनी ही धुन में थे। पापा कहाँ गए माँ? नाश्ते की मेज पर आरोह पूछ बैठा था। वे तो रोज की तरह ही घर से निकल गए, कह रहे थे कि किसी आवश्यक कार्य से जाना है, वसुधा जी ने बताया। माँ आप उन्हें समझाती क्यों नहीं कि उन्हें फिर से काम ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है? 35 वर्ष तक उन्होंने कार्य किया है, अब जब कुछ आराम करने का समय आया तो फिर से काम ढूंढने निकल पड़े। क्या कहूँ बेटे, मैं तो उन्हें समझा समझा कर थक गई हूँ। सुबह की सैर पर साथ जाने वाले मित्रों ने इनके मन में यह बात अच्छी तरह बिठा दी है कि अब घर में उनको कोई नहीं पूछेगा।
बात बात में यही कहते हैं कि अपने आत्मसम्मान पर आँच नहीं आने देंगे। उनके आत्मसम्मान पर चोट करने का प्रश्न ही कहाँ है। माँ घर में आराम से रहें, अपनी इच्छा अनुसार जीवन जिए। इस विषय पर बहुत कहा सुनी हो चुकी है। मैंने तो अब किसी प्रकार की बहस न करने का निर्णय लिया है, पर मन ही मन मैं बुरी तरह डर गई हूँ। इसमें डरने की क्या बात है माँ, इसी तरह तनाव में रहे तो अपनी सेहत चौपट कर लेंगे। वसुधा जी रो पड़ी थी। चिंता मत करो माँ, सेवानिवृत्ति के समय कई लोग इस तरह के तनाव के शिकार हो जाते हैं, आरोह ने माँ को समझाया। अरविंद जी दोपहर को घर आए तो देखा आरोह खाने की मेज़ पर अपनी माँ से कुछ बातें कर रहा था। माँ बेटे के बीच क्या खानाफूसी हो रही है, मेरे विरुद्ध कोई साजिश तो नहीं हो रही? हो तो रही है, हम सबको आपसे बड़ी शिकायत है। आरोह मुस्कुराया था। ऐसा क्या कर दिया मैंने? कल आपका विदाई समारोह था, आप सब परिवार आमंत्रित थे, पर आप अकेले ही चले गए, माँ तक को नहीं ले गए, हमसे पूछा तक नहीं। क्या कह रहे हो आरोह, इन्हें सब परिवार बुलाया गया था? वसुधा जी चौंकी थी। पूछ लो ना, पापा सामने ही तो बैठे हैं। मुझे तो इनके सहकर्मी मनोज ने आज सुबह अस्पताल आने पर बताया। इन्हें हमारी भावनाओं की चिंता ही कहाँ है, वसुधा जी नाराज हो उठी थी। बात यह नहीं है, मुझे लगा आरोह और माननी इतने नामी गिरामी चिकित्सक हैं, वे मुझ जैसी मामूली कलर के विदाई समारोह में क्यों आएंगे? वसुधा सदा पूजा पाठ और चारु या चिरायु के साथ व्यस्त रहती है, इसलिए मैं किसी से कुछ कहे सुने बिना अकेले ही चला गया था। यद्यपि हमारे यहाँ विदाई समारोह में सब परिवार जाने की परंपरा है, अरविंद जी क्षमा याचना पूर्ण स्वर में बोले थे। आपकी समस्या यह है पापा कि आप सब कुछ अपने ही दृष्टिकोण से देखते हैं, खुद को बार बार साधारण कलर कहकर आप केवल स्वयं को नहीं मेरे पिता को अपमानित करते हैं, जिन्होंने इसी नौकरी के बलबूते पर मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण किया। साथ ही आप उन हजारों लोगों का अपमान भी करते हैं जो इस तरह की नौकरियों से अपनी जीविका कमाते हैं। आरोह का आरोप सुनकर कुछ क्षणों के लिए अरविंद जी ठगे से रह गए थे। कोई उनके बारे में इस तरह भी सोच सकता है, यह उनके लिए एक नई बात थी। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे हो? तभी नीना और निधि आ खड़ी हुई थी। मैं क्या बताऊं, पापा से ही पूछ लो ना, आरोह हंसा था, पर अरविंद जी ने झटपट आंसू पोंछ लिए थे। तुम दोनों कब आई, उन्होंने नीना और निधि से अचरज से पूछा था। ये दोनों अकेली नहीं, सब परिवार आई हैं, वह भी मेरे निमंत्रण पर। कल कुछ और अतिथि भी आ रहे हैं। क्या कह रहे हो, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, कल कौन सा पर्व है? कल हम अपने पापा के रिटायर होने का फंक्शन मना रहे हैं। यह सब क्या है, हमारे परिवार में इस तरह के किसी आयोजन की कोई परंपरा नहीं है। परंपराएं बदली भी जा सकती है, हमने कल की पार्टी में आपके सभी सहकर्मियों को भी आमंत्रित किया है। नीना निधि, इनके हाथों से यह फाइल ले लो, पूछो आज दोपहर तक कहाँ भटकते रहे। आरोह ने अरविंद जी की फाइल की ओर इशारा किया। नीना ने पिता के हाथ से फाइल ले ली। इसमें तो डिग्रियां और पापा का बायोडाटा है। यह क्या पापा, आप फिर से नौकरी ढूंढ रहे हैं? नीना और निधि आश्चर्यचकित पास आ खड़ी हुई थी। चलो चाय नाश्ता लग गया है, तभी मानिनी ने आकर सबका ध्यान बटाया। लाओ यह फाइल मुझे दो, मैं इसे ताले में रखूँगा, आरोह उठते हुए बोला। चलो उठो, हाथ मुंह धो लो, सब चाय पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, वसुधा जी ने भरे गले से कहा। वसुधा, इतना सब हो गया और तुमने मुझे हवा भी नहीं लगने दी, अरविंद जी ने उलाहना देते हुए पत्नी से कहा। मुझे भी कहाँ पता था, मुझे तो कोई भी कुछ भी नहीं बताता है, ना तो तुम ना तुम्हारे बच्चे, पर मेरे आत्मसम्मान की चिंता किसे है भला, वसुधा नाटकीय अंदाज में बोली थी। अरविंद बाबू सोचते रह गए थे। वसुधा शायद ठीक ही कहती हैं, परिवार की धुरी है वह, पर कभी किसी बात का रोना नहीं रोया। ये तो केवल वही थे जो आत्मसम्मान के नाम पर इतने आत्म केंद्रित हो गए थे कि कोई दूसरा नजर ही नहीं आता था। न जाने मन में कैसी कुंठाएं पाल ली थी उन्होंने। आज उन्हें समझ में आ चुका था कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बच्चों के दिल में अपने माता पिता के लिए बहुत ही सम्मान होता है। आज उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व हो रहा था और अपनी परवरिश पर भी। दोस्तों, हमेशा बच्चे ही गलत नहीं होते हैं, कभी कभी माता पिता भी गलत होते हैं,
लेकिन कभी कभी बुजुर्गों में रिटायरमेंट के बाद यह भावनाएं आ जाती हैं कि हमारे घर में अब हमारी पूछ नहीं होगी, अब हम नकारे हैं। ऐसे में बच्चों को चाहिए कि उनको यह एहसास दिलाएं कि आज भी आप हमारे लिए कितने मायने रखते हैं, और पिता की ज़रूरत सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही नहीं होती है बल्कि बच्चों को छांव देने के लिए भी होती है। आपको आरओ का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।